हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम शिक्षक भर्ती पेपर 2019 को सॉल्व करेंगे जो आज 6 जनवरी को संपन्न हुआ है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हिंदी से शुरू होता है। हिंदी देखते हैं कैसी आई थी। तो पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित, तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, क्रिया। जो व्याकरण को जानता हो उसे हम व्याकरण कहेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, तो इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं, महान शब्द में त्वा जोड़कर, त्वा प्रत्यय जोड़कर कैसा शब्द बनेगा? तो महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीज वपन काल की संज्ञा दी थी। आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करो। तो तत्सम शब्द ग्रह होगा, क्योंकि ग्रह एक संस्कृत का शब्द है, इसका घर हो जाएगा, तद्भव घर हो जाएगा। और हम बात करते हैं, जहाँ पे चंद्रबिंदी लगी होती है ये वो सभी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो इस आँख, पाँव और गाँव में सब में लगे हैं, तो ये तद्भव हो जाएंगे। तो तत्सम कौन सा है? ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराग्राफ दिया हुआ, पैराग्राफ से छांट कर हमें इसके आंसर बताने हैं। तो इसके पहले का 9 का आंसर हो जाएगा दूसरा, और 10 का पहला नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्यारह नंबर, बीती विभावरी जाग रही पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे पनघट को तारा का, उषा को नागरी का रूप दे दिया गया है। अगला देखते हैं, ये जो कथन है अलंकार परिभाषित करने और उपयुक्त पंक्तियाँ किस कब की हैं? तो केशवदास जी की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बीड़ा पार, भारती, वागदेवी, ये तीनों हैं। जाहवी नहीं है, ये गंगा की पर्यायवाची है। गंगा की पर्यायवाची जाहवी। मैं, हम, तू और तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला देखते हैं, जब प्रथम पद संख्यावाची द्वितीय पद संज्ञा हो तो द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाना चाहिए विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह कौन सा है? तीसरा, ये योजक चिन्ह होता है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग का है? तो बुद्धिमान का है विशेषण है। बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बतलाएगा कि वो बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री तो होता है, मगर कवित्री लिखा कैसे आता है? कव इत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो तीसरा हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, जीएस, हम जीएस से शुरुआत करेंगे। अब कि हिंदी के क्वेश्चन हो चुके थे, तो जीएस के बारे में देखते हैं। बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की, जो कनिष्क दरबारी थे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार विश्व, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गोरखनाथ थे। मुख्य रूप से 9 नाथ हुए थे, जिसमें प्रमुख कौन थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ के ही योगी आदित्यनाथ उन्हीं के वंश के लास्ट हैं। बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कांचीपुरम कैलाश नाथ मंदिर, शिव मंदिर जिसकी वीरती दीवारों को
रंगों में मूर्तियां बनवाए थे। तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम हो सकता है। मिर्जापुर का लोक नृत्य, बात करते हैं मिर्जापुर का लोक नृत्य, तो मिर्जापुर का लोक नृत्य कजरी होगा, क्योंकि चरकुल्ला जो है ब्रज क्षेत्र का, जिसमें 106 दीप सर पे रख के किया जाता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, भारत का 100वां एयरपोर्ट अभी हाल ही में चर्चित में था, जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वो कहाँ पे था? सिक्किम में पैक्योंग, पैक्योंग नाम था हवाई अड्डे का। ग्लास, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो बात करें खुर्जा में। अगर बात करता है कि कांच के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा, तो फिरोजाबाद हो जाएगा। चमड़े के लिए कानपुर, जो कि एक जिला एक उत्पाद में, कानपुर को चमड़े के लिए, फिरोजाबाद को कांच के लिए, खुर्जा को मिट्टी के बर्तन के लिए, और आगरा को ही चमड़े के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 किसने जीता? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार दो भारतीयों को मिला है, पहले थे भारत वाटवानी और दूसरे थे सोनम सोनम वांग चुक। तो पहले यही है, तो भारत वाटवानी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? तो रमेश चंद्र शाह को। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में घोषणा नहीं किया गया? तो साहित्य में हो जाएगा। हमें पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जेम्स पी एलिसन, जेम्स पी एली सन और तासुकु, और तासुकु तासुकु हौजो को मिला था, ठीक। और भौतिक के लिए आर्थ आस्किन, जेरार्ड मरो और डोना स्कटलैंड को मिला था लेजर फिजिक्स फील्ड में काम करने के लिए। तो बात करेंगे कि किस में नहीं दिया गया, तो साहित्य में नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय कहाँ हुआ? तो कोटोविस में, कटोविस पोलैंड में हुआ था। और ये बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो रामायण सर्किट की शुरुआत नेपाल से की, क्योंकि सीता माता का जो गांव था वो जनक था, और राम का अयोध्या, तो अयोध्या से लेकर जनक के बीच ये योजना चलाई गई थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया? तो 2017 में। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। सौरभ चौधरी किससे संबंधित हैं? तो निशानेबाजी से। ये कहाँ के थे? बात करें अगर ये कहाँ के थे, तो अपने यूपी के मेरठ के। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182। इसे हाल ही में बनाया गया था कहाँ? गुजरात में, नर्मदा नदी किनारे। और ये 31 अक्टूबर को इसका अनावरण किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, ये इसीलिए चर्चे में था। अगला देखते हैं, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम क्या है? ट्रेन 18 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चर्चा में था। मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा था? प्रत्युष। 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में स्थान भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां, ठीक। आगे देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, जिस पर अभी हाल ही में मनमोहन सिंह के ऊपर एक मूवी रिलीज होने वाली है। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क मैन उपन्यास के लेखक कौन है? एना बंस। इसके लिए अभी इनको हाल ही में पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठीचार्ज से लगी चोटों के किसके कारण मृत्यु हुई थी? किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श करने के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती? तो
14 दिनों तक। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से समुद्री धारा कौन से अटलांटिक महासागर की नहीं है, तो हम बात करेंगे अगुल हास धारा, जो कि कहाँ की है, ये हिंद महासागर की है। ठीक, ये हिंद महासागर की है, बाकी सब अटलांटिक की हैं, और ये सब ठंडी धारा है, ये गर्म धारा है। नाथुला दर्रा कहाँ की है, सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत की गरीबी का आकलन किया जाता है। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बात करेंगे तो संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर। भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन, जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये हैं आपके